बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान फरमाते हैं कि अपने माल से अपनी बेसरो सामानी के दिन के लिए कर्ज दो। जो बंदा नागहानी आजमाइश पर सब्र नहीं करता वो आजिज हो जाता है। तुम दुनिया को आबाद कर रहे हो, अल्लाह उसको वीरान करना चाहता है और अल्लाह ताला अपने इरादे पर गालिब है। तुम में जो बुरा है वो अपने साथी से कहता है कि आओ हम मौत से पहले पहले खाएं पिएं और खेलें। बड़े यकीन वाले की नेकी का एक जर्रा धोखे में पड़े हुओं की पहाड़ों जितनी इबादत से अफजल है। लोगों को तकलीफ ना दो जब तक वो मुकल्लफ ना हो। किसी आदमी का अहले इलम के साथ चलना जाना आना और बैठना उसकी दीनी समझदारी में से है। तुम खैर में रहोगे जब तक अपने भले लोगों से मोहब्बत करते रहोगे। दुनिया तो आने जाने वाली चीज है, कभी किसी के पास होती है कभी किसी के पास। जो नफाक से ना डरता हो वो मुनाफिक है। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने हमारे पहलों के जरिए से तुम्हें हदायत दी और हमारे पिछलों के जरिए से तुम्हारे खून की हिफाजत की। कपड़े पुराने हों दिल नए हों, जिससे तुम आसमानों में मार्फत हासिल करो और जमीन में नसीहत हासिल करो। आदमी का पहरा उसकी मौत का मुकर्रा वक्त करता है। अमल से ज्यादा कबूलियत अमल का एहतमाम करो, इसलिए कि तकवा के साथ किया हुआ अमल कलील नहीं होता और जो अमल मकबूल हो जाए वो कैसे कलील हो सकता है। सबर ईमान के लिए ऐसे है जैसे जिस्म के लिए सर, और जिसमें सबर नहीं उसका ईमान नहीं। लंबी उम्मीद आखरत को भुला देती है। मैंने उससे ज्यादा कमाने वाला नहीं देखा जो उस दिन के लिए नेक आमाल कमाता है जिस दिन के लिए आमाल के जखीरे जमा किए जाते हैं। जो मोहलत के दिनों में मौत के आने से पहले अपने हर अमल को अल्लाह के लिए खालस करेगा वो अपने अमल को अच्छा और खूबसूरत बना लेगा। पैदल चलने से पहले पानी में लीमू के चंद कतरे डालकर पी लिया करो। खड़े होकर पेशाब करने से पहले ये जरूर सोच लें कि काला यरकान होने में देर नहीं लगेगी। थकावट के वक्त दूध में बादाम डालकर खा लिया करो। हामला औरत पास आए तो फौरन नीम गर्म पानी पी लो, इससे तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। दुनियादार मुर्दार है और जो उसे हासिल करना चाहता है उसे कुत्तों की सोहबत के लिए तैयार रहना चाहिए। ख्वाहिशात के पीछे चलने से इंसान हक से हट जाता है और लंबी उम्मीदों की वजह से आखरत भूल जाता है। ऐ लोगों, उनमें से ना बनो जो बगैर कुछ किए आखरत की उम्मीद रखते हैं। जहन्नम के कैदी को कभी छुड़ाया नहीं जा सकेगा। जहन्नम की गर्मी बहुत सख्त है और बहुत गहरी है।